आने वाले सालों में इससे लाखों रोजगार के अवसर भी सृजन हो पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दो मंत्रालय हैं, इस्पात मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कितने रोजगार की संभावना है आपके मंत्रालय में? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी योजनाओं के तहत उदाहरण हम लोग लें इस्पात के क्षेत्र में, अभी एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसका उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया, इस्पात मंत्रालय में स्पेशलिटी स्टील में हम लोग ने शुरुआत की है। 6,322 करोड़ की योजना है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। करीब हमारे पास 80 प्रस्ताव आए हैं 35 कंपनियों से, करीब करीब 46,000 करोड़ का निवेश होगा और 70,000 हमारे नए रोज़गार के अवसर सर्जन हो पाएंगे। 26 मिलियन टन की अतिरिक्त कैपेसिटी इस पीएलआई स्कीम के आधार पर स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होगी। वैसे ही नागरिक विमानन क्षेत्र में जैसे जैसे हमारे एयरपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने होलोंगी की नई एयरपोर्ट की शुरुआत की, 16वीं एयरपोर्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत की, और पिछले 8 सालों में हमने करीब करीब 7 से 8 नए एयरपोर्ट बनाए हैं। ऐसे राज्य जहां 70 सालों में एयरपोर्ट नहीं होता था, उदाहरण के तौर पे अरुणाचल प्रदेश, उदाहरण के तौर में सिक्किम, 70 साल में एक एयरपोर्ट नहीं बना था, वहां अरुणाचल प्रदेश में पिछले 8 साल में 3 एयरपोर्ट बन चुके हैं होलोंगी को गिनते हुए, और सिक्किम में पाक्योंग में एयरपोर्ट बन चुका है। तो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नागर विमानन क्षेत्र में फ्लीट कैपेसिटी भी बढ़ रही है। 2013-14 में केवल 400 प्लेन्स होते थे, आज 700 प्लेन हैं और करीब 125 नए एयरक्राफ्ट हर साल अतिरिक्त बढ़ते जाएंगे। उसी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। तो इन सारे चीज़ों के साथ, चाहे इस्पात का क्षेत्र हो और चाहे नागर विमानन का क्षेत्र हो, हमारा लक्ष्य है कि इस्पात के क्षेत्र में वर्तमान में 150 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी है पूरे देश में, 2030 तक हम इसे डबल करेंगे 300 मिलियन टन तक। तो अनेक संभावना है जिसके आधार पर रोजगार के अवसर भी सृजन को पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा BSF में चयन हुआ है SSC के थ्रू। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। शुरू से यही सोचती क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सब लोग पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, बट लड़की कोई नहीं गई थी। बट PM मोदी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको एक चांस दिया और इतनी जल्दी कोरोना महामारी के बाद भी हम लोगों को थोड़ी आस छूट गई थी कि हम क्या करेंगे, और अच्छा लग रहा है बहुत नियुक्ति पत्र लेकर के। बिल्कुल, पूरी जान लगा देंगे देश की सेवा में। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रोज़गार मिले में, और सर जो ज्वाइनिंग लेटर है BSF का वो यहाँ पे लेने आया था साथ में। हाँ सर, मतलब अपनी देश सेवा करनी है, बचपन से ही शौक था थोड़ा सा, और यहाँ पर सर क्वालिफाई किया है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।